हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है बीटा मैस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अनंत स्पर्शी या फिर असिम्प्टोट चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपको अच्छे से रिविजन करवा देता हूँ अनंत स्पर्शियों के बारे में। हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया कि अनंत स्पर्शियाँ क्या होती हैं। अनंत स्पर्शियाँ क्या होती हैं? अनंत स्पर्शियाँ वे होती हैं जो किसी वक्र को अनंत पे जाके स्पर्श करने वाली होती हैं। मतलब वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करें, वो क्या होती हैं? उस वक्र की अनंत स्पर्शी होती हैं। और हम जानते हैं अनंत स्पर्शियां सिर्फ हम असीमित वक्रों के लिए बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अनंत स्पर्शियां कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शी। वो कैसे निकालते हैं अपन एक्सों के समांतर? अब एक्स भी हमारे दो होते हैं, तो एक तो हो जाएगी इनमें एक्स एक्स के समांतर, है ना, और दूसरी क्या हो जाएगी? वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकाल सकते हैं? वक्र में क्या करेंगे? एक्स की अधिकतम घात का गुणांक क्या कर देंगे? 0 के बराबर। और वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे? वक्र में वाई की अधिकतम घात का गुणांक क्या कर देंगे? 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें आ जाएंगे एक्स 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 और वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। फिर दूसरा टाइप क्या था अनंत स्पर्शियों का? दूसरा टाइप ये था कि जो अनंत स्पर्शी एक्सों के समांतर नहीं होती, वो क्या होती हैं? तिर्यक अनंत स्पर्शी होंगी। मतलब जो एक्सों के समांतर नहीं है वो क्या बच जाएंगी? तिर्यक बच जाएंगी। तो तिर्यक कैसे निकाल सकते हैं? तो तिर्यक निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें चार पांच स्टेप पढ़े थे हमने, वो बता देता हूँ मैं फिर से आपको। जैसे ये कोई वक्र दिया है अपने पास, तो सबसे पहले तिर्यक क्या होता है? तिर्यक ये होता है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वक्र की घात निकालते हैं। सबसे पहले वक्र की घात निकालते हैं। मान लिया ये वक्र कितनी घात का है? मान लिया ये वक्र एन घात का कोई वक्र अपने पास दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे अपन? फिर निकालेंगे फाई एन एम निकालेंगे। फाई एन एम कैसे निकालेंगे? फाई एन एम निकालेंगे वक्र में एक्स बराबर तो 1 रखेंगे और वाई बराबर क्या रखेंगे? एम रख के। एक्स बराबर 1 और वाई बराबर एम रख के हम क्या निकालेंगे? फाई एन एम निकालेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन? फाई एन माइनस 1 एम निकालेंगे, है ना, फाई एन माइनस 1। अब फाई एन एम क्या है? वक्र में वे पद जहाँ पे जो वेरिएबल है उनकी पावर का योग कितना आ रहा है? एन आ रहा है। और वक्र में वे पद जिनमें वेरिएबल की पावर का योग कितना आ रहा है? एन माइनस 1 आ रहा है, वो पद क्या होंगे? फाई एन माइनस 1 में काउंट होंगे। और इसी को भी क्या निकालेंगे? एक्स बराबर 1 और वाई बराबर एम रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन? तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में करेंगे अपन फाई एन एम का क्या कर देंगे? डिफरेंशियल कर देंगे। फाई एन एम का डिफरेंशियल कर देंगे, ये भी काम आएगा। चलो तीसरे पद में हम करते हैं फाई एन एम को क्या करते हैं? 0 के बराबर। फाई एन एम को 0 के बराबर रख के यहाँ से एम के मान आएंगे, एम वन एम टू एम थ्री और एम एन, ये एन तक मान आएंगे एम के, है ना। फिर एम वन एम टू एम थ्री मानों के संगत क्या निकालेंगे अपन? सी के मान निकाल लेंगे। और सी के मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? माइनस फाई एन माइनस 1 एम अपॉन में क्या होता है? फाई डैश एन माइनस 1 एम। तो यहाँ से अपने फाई डैश एन एम निकाला था ना, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइव डेज एन एम यहाँ पे इस सी के मान निकालने में काम आ जाएगा, ठीक है। अब एम वन एम टू एम थ्री मानों के संगत सी के मान क्या क्या कहेंगे? सी वन सी टू सी थ्री, ये सी वन के मान आ गए, है ना। फिर क्या करेंगे? अनंत स्पर्शियों का समीकरण क्या रख देंगे? वाई बराबर एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई बराबर एम टू एक्स प्लस सी टू, ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं? अनंत स्पर्शियों के समीकरण निकाल सकते हैं। अब एक इसमें स्पेशल केस क्या था? स्पेशल केस ये था इसमें कि यहाँ पे अगर अपने पास m1, m2, m3 इनके मान आ रहे हैं, ये यहाँ पे अगर अलग अलग आ जाएं, ये n मान सारे अलग अलग हों, तो क्या करेंगे? c का मान इस फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर यहाँ पे ये आ जाए कि m1 और m2 के जो दो मान हैं वो क्या आ गए? सेम आ गए। यदि m1 और m2 के दो मान सेम आ जाएंगे तो इनके संगत c1 और c2 के मान भी क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इनकी अनंत स्पर्शियाँ क्या बनेंगी? दो नहीं बनके क्या बन जाएंगी? अनंत स्पर्शियाँ एक ही बनेगी। लेकिन हमें अनंत स्पर्शियाँ कितनी निकालनी है? एन अनंत स्पर्शी निकालनी है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के एक बन जाएगी। तो इसके लिए हमें एम वन और एम टू के लिए सी के मान क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए। और उनको निकालने के लिए फॉर्मूला हमने अलग से पढ़ा है, वो क्या है? फॉर्मूला है 1/2 सी स्क्वायर फाई एन माइनस 2 था ना, फाई एन ही था यहाँ पे, ठीक है, फाई एन डबल डैश एम प्लस सी
फाइव एन माइनस वन डेज एम प्लस में फाइव एन माइनस टू एम इजिक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन के अंदर हम ये मान रख के क्या करेंगे, c के मान निकालेंगे। c के मान अब यहाँ से अलग अलग आ जाएंगे, c1 और c2 ये अलग अलग आएंगे। m1 का मान दोनों में सेम रहेगा, जो सेम मान है उनके लिए c और c2 के मान क्या जाएंगे, अलग अलग। फिर क्या कर सकते हैं अपन, अनंत स्पर्शियों के समीकरण निकाल सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने इतना पढ़ा है, फिर इसके एग्जाम्पल कर लिए। कहाँ तक कर लिए अपने एग्जाम्पल, पाँच तक कर लिए ना, पाँच तक इसके एग्जाम्पल हो गए। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज सेकेंड ए की, एक्सरसाइज सेकेंड ए करने वाले हैं हम आज, है ना। तो एक्सरसाइज सेकेंड ए में क्या दे रखा है, पहला इक्वेशन क्या निकालना है अपने को, एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालनी है। किसके, एक्सों के समांतर। हमें पता है एक्सों के समांतर कैसे निकालते हैं, जैसे मैं ओरली आपको ऐसे करके बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहले में क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। तो एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियां कैसे निकालते हैं, एक्सों के समांतर निकालते हैं कि जहाँ पे एक्स एक्स के अनंत स्पर्शी निकालनी है अपने को। यदि एक्स एक्स के समांतर निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को जीरो के बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये अधिकतम घात आ रही है, तो इसका गुणांक ए स्क्वायर, इसको जीरो के बराबर रख दिया। नहीं, लिए एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है ना, तो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या बना, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे बराबर वन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो यहाँ पे क्या बन गया, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा, तो बन गया अपना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, पहले जब एक्स एक्स के समांतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करेंगे, जीरो के बराबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितनी जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है ना एक्स स्क्वायर, तो इनको एक जगह बनाएंगे। एक्स स्क्वायर दो जगह आ रहा है, तो इनको कॉमन ले लो, तो क्या बना, माइनस बी स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और बाहर क्या, एक्स स्क्वायर, यही तो बना ना। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ये, इसको जीरो के बराबर रख दो, तो हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर। ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम तो क्या करेंगे, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी यहाँ पे विद्यमान ही नहीं है। फिर वाई एक्स के समांतर निकालेंगे तब क्या करेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर भी आ रहा है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना। अब यहाँ पे ये वाई स्क्वायर का गुणांक कर रहे हैं, इसको जीरो के बराबर रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर के, यहाँ से आ गया एक्स बराबर प्लस माइनस ई। ये अनंत स्पर्शी आ गई अपने पास, और ये किसके समांतर आई है, वाई एक्स के समांतर आई है, ठीक है। फिर अगले में क्या है, नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, है ना। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचा, ए क्यूब वाई वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब, और जो एक्स क्यूब वाई क्यूब है वो इधर आगे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमन लेके कर सकते हैं, थर्ड कर लोगे क्या, खोल के बता दूं, मैं सीधा ही लिख दूं इसको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है ना। तो क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब पहले x x के समांतर देखेंगे, लेकिन x का गुणांक इसका क्या रहा है, x की अधिकतम घात का गुणांक एचर आ रहा है, तो ये तो x x के समांतर होगी नहीं यहाँ पे। अब वाई स्क्वायर के लिए देखो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे ये जीरो रख दो, तो क्या बन गया, x माइनस ए बराबर जीरो। ये आ गई अपने पास वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी आ गई, ठीक है। फिर चौथा देखो, ये तीसरा है ना, चौथे के अंदर क्या है, एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स की क्यूब वाई बराबर ए की पावर फोर। यहां से हमें निकालनी है एक्स एक्स के समांतर, इस क्वेश्चन में हमें एक्सों के समांतर ही देखनी है, तो पहले क्या निकालेंगे, एक्स एक्स के समांतर एक्स की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ से
एक्स की अधिकतम घात कितनी मिल रही है अपने को, एक्स की पावर 3 मिल रही है ना, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, वाई बराबर 0 रख देंगे, वाई बराबर 0, ये तो कॉन्स्टेंट नहीं है ना ये, तो इसलिए वाई बराबर 0 को अपन अनंत स्पर्शी मान सकते हैं। इसी प्रकार से वाई एक्स के समांतर जब देखेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स के समांतर क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई एक्स के अधिकतम घात 3 आ रही है और उसका गुणांक कितना है 0, तो एक्स बराबर 0, ये अनंत स्पर्शियाँ आ गई। ठीक है, फिर पांचवा कर लोगे ना, देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, फिर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0, है ना। तो पहले क्या देखेंगे, एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर क्या करेंगे, एक्स की अधिकतम घात का गुणांक क्या करेंगे, 0 के बराबर। यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स की अधिकतम घात कितनी मिल रही है, यहाँ से एक्स को जब एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल सकता है ना, और यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर दो जगह आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर दो जगह आ रहा है ना, तो दोनों को एक जगह बनाना पड़ेगा। यहाँ से जब एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स को टू से करेंगे तो टू एक्स बनेगा, लेकिन अपने को क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर वाले पद देखने हैं। इस पद में कहीं पे एक्स स्क्वायर बन सकता है क्या, और उसके अलावा नहीं बन सकता। और यहाँ से कितना है, 9x स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये 9 है ना, तो ये क्या बन गया, माइनस 8x स्क्वायर बना ना, माइनस 8x स्क्वायर बना, और ये इसका गुणांक 0 के बराबर रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, तो एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी यहाँ से विद्यमान नहीं होगी, है ना। और वाई एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर नहीं होगी ना, वाई एक्स के समांतर वाई की अधिकतम घात वाई स्क्वायर यहाँ पे मिल रही है, और कहीं पे वाई स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो इसका गुणांक क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 को किसके बराबर रख देंगे, 0। यहाँ से दो मिल जाएंगे आपको, एक तो मिल जाएगी एक्स माइनस 3 बराबर 0, क्या, हाँ तो ये वाई के लिए तो बता रहा हूँ ना, वाई एक्स के समांतर ही बता रहा हूँ, क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणांक हमने 0 के बराबर लिया है, तो ये वाई एक्स के समांतर ही तो होगी ना, एक्स एक्स के समांतर नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना वो क्या रहा है, अचर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दो आ गई अपने पास वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियां। फिर देखो सिक्स में क्या करना है, कर लिया गया सिक्स, सिक्स में देखो एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन फिर से देखना ना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x कितना हो गया, माइनस 5x और प्लस 6, यहाँ से वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में माइनस 9x स्क्वायर, पूरा खोल लो इसको, ये क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर इजिकल टू 9x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर के समांतर अनंत स्पर्शी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इधर लाके कॉमन ले लेंगे तो क्या बना, वाई माइनस 9 बन गया और इनटू में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए क्या करेंगे, वाई माइनस 9 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर, अच्छा हाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 को क्या किया, 0 के बराबर, तो वाई बराबर क्या बन गया, प्लस माइनस 3। ये तो आ गई अपनी एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। फिर वाई एक्स के समांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये आ जाएंगे अपनी एक्स माइनस 3 बराबर 0 और एक्स माइनस 2 बराबर 0, चार अनंत स्पर्शियाँ आ गई यहाँ से, है ना। ये तो दो तो आ गई वाई एक्स के समांतर और ये दो आ गई एक्स एक्स के समांतर। अब देखो सिक्स की सुन, सिक्स में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15xy
प्लस टेन वाई स्क्वायर, फिर क्या है माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यही है ना। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सों की समांतर निकालनी है, एक्सों की समांतर निकालनी है तो क्या करेंगे, पहले एक्सों की अधिकतम घात देखेंगे। यहाँ से एक्स की अधिकतम घात तीन है और उसका गुणांक कितना है, अचर है, तो एक्स एक्स के समांतर तो हमें नहीं मिलेंगे। अब वाई एक्स की अधिकतम घात देखो, वाई की अधिकतम घात ये एक तो यहाँ पे आ रही है वाई स्क्वायर, एक यहाँ आ रही है, और कहीं पे वाई स्क्वायर मिल रहा है क्या, नहीं है, तो बस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बना फोर एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू, यहाँ से ये क्या कर देंगे जीरो, ये क्या कर देंगे जीरो, तो फोर एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स बराबर क्या आ गया माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। ये आ गई अपनी वाई एक्स के समांतर। इसमें देखो कौन सा बताना है, सातवां कर लिया, आठवां, आठवां भी कर लिया, नौवां, चलो नौवां देख लो। कितना है टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये है ना। अब हमें निकालनी है इसमें एक्सों की समांतर भी निकालनी है और तिर्यक भी निकालनी है, मतलब हमें निकालनी है कि इस यहाँ पे टोटल कितनी अनंत स्पर्शियाँ बनने वाली है। तो सबसे पहले इस क्या करते हैं अपन, वक्र की क्या निकालते हैं, घात, मतलब एक अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपने को पूछे अनंत स्पर्शी निकालने का तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं वक्र की घात। यहाँ से वक्र की घात कितनी आ रही है तीन, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं अपन कि यहाँ से जो मैक्सिमम असिम्प्टोट है वो कितनी बन सकती हैं, मैक्सिमम असिम्प्टोट यहाँ से कितनी बन सकती हैं, वो बन सकती हैं तीन बन सकती हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, फिर आगे निकालते हैं एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, देखते हैं कि एक्सों के समांतर तो नहीं है क्या, एक्सों की समांतर, और उनमें सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, एक्स एक्स के समांतर देखेंगे, एक्स एक्स के समांतर मिल रही है क्या, एक्स एक्स के समांतर एक्स की पावर तीन का गुणांक क्या है कॉन्स्टेंट, तो क्या है नहीं मिलेगी। फिर देखेंगे वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर है क्या, वाई की अधिकतम घात कितनी है तीन है और उसका गुणांक कितना है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हमें वाई एक्स के समांतर भी नहीं मिलेगी। फिर क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालते हैं, क्या निकालते हैं तिर्यक निकालते हैं, मतलब ओब्लिक देखेंगे, तो ओब्लिक में देखने के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम अपन क्या निकालते हैं फाई एन एम, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से थ्री, तो फाई थ्री एम निकालेंगे, फाई थ्री एम निकालने के लिए क्या करते हैं एक्स बराबर क्या रखेंगे एक्स बराबर वन और वाई बराबर एम पे फाई थ्री एम निकालो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कहाँ तक लेना पड़ेगा, ये तीन घात के पद कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं ना, यहाँ तक ले लो, है ना। फिर आगे क्या आ रहे हैं, आगे दो और यहाँ से वन, ये का ठीक है, ऐसे बना लो इसको ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखो क्या रखा मैंने, एक्स की जगह वन तो टू हो गया, माइनस वाई की जगह एम रखा, एक्स की जगह वन तो एम बना, फिर माइनस टू एम स्क्वायर और प्लस एम क्यूब, ये बन गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल भी कर लो क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके डिफरेंशियल की भी, तो क्या हो जाएगा एम क्यूब का थ्री एम स्क्वायर, फिर माइनस टू एम स्क्वायर का कितना बना माइनस फोर एम, फिर कितना है माइनस एम का कितना बन जाएगा माइनस वन, ये डिफरेंशियल भी आगे हमें काम आने वाला है। फिर क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे फाई टू एम, फाई टू एम निकालने के लिए ये मतलब दो घात के पद लेने पड़ेंगे फाई टू एम में, तो दो घात के पद के लिए यहाँ पे माइनस फोर प्लस एट एम, माइनस फोर प्लस एट एम अपना आ गया फाई टू एम आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे जो फाई थ्री एम है, फाई थ्री एम को क्या रख देंगे जीरो के बराबर रख के, फाई थ्री एम को जीरो के बराबर रख के हम क्या करते हैं, फाई थ्री एम को जीरो के बराबर रख के हम निकालते हैं उनके एम के मान निकालते हैं, ठीक है ना, ये धुंधला दिख रहा है ना, चलो फाइव थ्री एम को जीरो के बराबर रख के हम निकालते हैं एम के मान निकालते हैं, तो फाइव थ्री एम को जीरो के बराबर रख दो, तो यहाँ से क्या हुआ एम क्यूब माइनस टू
एम स्क्वायर माइनस एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये सही है ना। अब यहाँ से m के मान निकाल लो, तो m बराबर क्या रख के देख लो, यहाँ से m बराबर वन रख के देख लो पहले, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू और प्लस टू जीरो हो रहा है, मतलब एक गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, m माइनस वन एक गुणनखंड हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या क्या तरीका होता है, जो m माइनस वन है ना उसको तीन बार लिख लो, है ना, m माइनस वन को अगर तीन बार लिख लिया तो क्या करेंगे, वापस यही इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वापस हमें यही इक्वेशन बनानी है। हमारे पास कितना है एम क्यूब है, एम क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से क्या बन गया, माइनस एम स्क्वायर बन गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस टू एम स्क्वायर चाहिए, मतलब एक और माइनस एम स्क्वायर हो अपने पास, तो ये माइनस टू एम स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मिटाते जाओ साथ में। अब माइनस टू एम स्क्वायर तो बन गया, लेकिन इसके साथ में अपने क्या, अपने को क्या मिल गया, प्लस एम मिला, लेकिन हमें कितना लेना है, माइनस एम लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, माइनस टू एम अगर अपने पास हो तो ये प्लस एम, माइनस एम बन सकता है, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू से। अब ये देखो प्लस टू अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक है, मतलब आपने अभी तक क्वेश्चन को सही किया है। इसको बराबर रखते हैं किसके, जीरो के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, m माइनस वन यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरे अंदर से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसके भी गुणनखंड कर लो, इसके भी क्या कर लो, गुणनखंड कैसे होंगे बताओ, m माइनस वन एम स्क्वायर, मतलब अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू आना चाहिए, तो कितना, प्लस टू थोड़ी होगा, माइनस टू होगा ना, माइनस टू प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लो, m माइनस वन अगर कॉमन लिया, यहाँ से क्या लिया कॉमन, m कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, m माइनस टू, और यहाँ से प्लस वन कॉमन लिया तो m माइनस टू अंदर बच गया, फिर से m माइनस टू कॉमन आ जाएगा, मतलब m के यहाँ से क्या क्या मान आने वाले हैं, एक तो m बराबर आएगा अपने पास वन, एक m बराबर क्या आएगा अपने पास टू, और एक m बराबर आ गया माइनस वन। m के ये तीन मान आ गए यहाँ से। अब m के तीन मानों के संगत, तीनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तीनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब अपने को वो सी वाला फॉर्मूला अपने को नहीं लगाना है ना। तो यहाँ से अपन क्या लगाएंगे, अब जो अपना बेसिक फॉर्मूला है सी का वो लगाएंगे, वो कितना होता है, माइनस फाइव एन माइनस वन एम अपॉन में क्या होता है, फाइव एन डेस एम, ये होता है, और एन की जगह क्या है, यहाँ से थ्री है ना, तो ये क्या बन गया, माइनस फाइव टू एम अपॉन में फाइव थ्री डेस एम, ठीक है। फाइव टू एम कितना है बोलना, एट एम माइनस फोर कितना है, एट एम माइनस फोर है, तो क्या बन गया, माइनस एट एम प्लस फोर, ये लिख सकता हूँ। अब बोलो फाइव थ्री डेज एम कितना है, थ्री एम स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एम बराबर वन रखेंगे, सी का मान निकालेंगे, m बराबर टू रख के c का अलग मान निकालेंगे, फिर m बराबर माइनस वन रख के c का एक और मान आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, m बराबर वन पे c1 निकालेंगे, m बराबर वन पे c1 कितना आएगा, वन रखो यहाँ पे, तो माइनस एट, माइनस एट प्लस फोर अपॉन में थ्री माइनस फोर माइनस वन कितना आया, ऊपर माइनस फोर और नीचे कितना, माइनस टू ना, तो कितना आ गया, यहाँ से टू आ गया, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या मैं, सी वन कितना टू, ठीक है। सी टू कितना आएगा, टू रख दो यहाँ पे, यहाँ पे टू रख दो एम की जगह, तो एम की जगह टू रखा तो कितना आ जाएगा, माइनस सिक्सटीन प्लस फोर अपॉन में टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस फोर टू जा एट और माइनस वन, ये कितना आ गया, माइनस का ट्वेल्व अपॉन में कितना थ्री ना, तो ये आ गया अपने पास माइनस फोर। तो सी टू कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से सी टू मैंने लिख दिया माइनस का फोर, ठीक है। अब एम बराबर माइनस वन रखो, यहाँ से सी थ्री मिलेगा, एम बराबर माइनस कितना वन ना, तो एट का क्या हो गया, माइनस एट का प्लस एट प्लस फोर अपॉन में थ्री प्लस फोर माइनस वन, ये कितना हो गया, ट्वेल्व अपॉन में सिक्स, ये कितना बन गया टू, सी थ्री कितना आया, C3 थ्री यहाँ से टू। अब क्या निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से तीनों अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं, तीनों अनंत स्पर्शियाँ क्या आएंगी, y बराबर एम वन एक्स प्लस सी वन
वाई बराबर एम टू एक्स प्लस सी टू और वाई बराबर एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री। ये एम वन है, ये एम टू है और ये एम थ्री है। ठीक है, निकाल लो, लिख लो इसको। कौन सा बताऊं, बारहवां क्या? चलो, फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, सही लिख रहा हूँ ना, देखते रहना, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इजिक्वल टू कितना है, सेवन। इसको माइनस सेवन इजिक्वल टू जीरो लिख लो। ठीक है, इसमें हमें अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है, तो पहले बताओ क्या क्या करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, वक्र की घात। वक्र की घात हमें कितनी मिलेगी, कितनी है वक्र की घात, तीन। तो क्या लिखूंगा, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, मैक्सिमम असिम्प्टोट यहाँ से कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, मैक्सिमम तीन ही बनेंगे ना। फिर करो, फिर आगे क्या करते हैं, फिर निकालते हैं अपन एक्सों के समांतर, निकालते हैं एक्सों के समांतर निकालेंगे, तो एक्सों के समांतर आएंगी क्या, एक्सों के समांतर एक्स एक्स के समांतर नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात का गुणांक जीरो है, अचर है, एक्स की अधिकतम घात का गुणांक और वाई की भी अधिकतम घात का गुणांक क्या है, अचर है, तो एक्सों के समांतर किसी में भी नहीं आएंगी। फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे अपन तिर्यक। तो यहाँ से अपना खेल शुरू होगा। अब तिर्यक कैसे निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, फाई, अब तीन घात का है तो फाई थ्री एम, अब ये चीज़ें आपको सब आनी चाहिए, है ना। फिर क्या करेंगे, अब मैं कोष्टक में वो नहीं लिख रहा हूँ कि एक्स की जगह वन रखेंगे और वाई की जगह एम रखेंगे, ठीक है, ये पता चल गई आपको सभी बातें। तो फाई थ्री एम को क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर माइनस एम माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फाइव थ्री एम के बाद में, फाइव थ्री एम के बाद में क्या निकालेंगे, फाइव टू एम निकालेंगे, है ना। फाइव टू एम, फाइव टू एम क्या होगा, थ्री प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर, साथ में क्या निकाल लो, फाइव थ्री डेज एम निकाल लो। ठीक है, फाइव थ्री डेज एम निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसका आकलन कर दो, क्या बन गया, थ्री एम स्क्वायर माइनस एट एम और माइनस वन। ठीक है, अब करो आगे, अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे किसका मान, फाइव थ्री एम को जीरो के बराबर रख दो। फाइव थ्री एम को क्या कर दिया, जीरो के बराबर रख देंगे। तो अब इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा, यहाँ से एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। एम बराबर वन रख के देखो, जीरो हो रहा है क्या, देखा क्या, नहीं हो रहा, तो माइनस वन रख के देख लो, वन पे हो रहा है क्या, जीरो, वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फोर हो तो रहा है, हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड इसका माइनस वन, माइनस वन और एम माइनस वन। ठीक है, अब बताओ, आप खुद ही बताओ, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, एम स्क्वायर से गुणा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बन गया, माइनस एम स्क्वायर, तो माइनस थ्री एम से गुणा किया। ठीक है, फिर थ्री एम हो गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, माइनस एम चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस फोर से गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो गया, जीरो। अब क्या होगा, साथ में ही कर दो इसके गुणनखंड, जो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस फोर है ना, इसके एक साथ ही गुणनखंड कर दो, तो क्या होगा, माइनस फोर एम प्लस एम लिख सकता हूँ क्या, माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस एम, ये लिख सकता हूँ क्या इसको, है ना, एम माइनस वन कॉमन क्या आ गया, एम एम माइनस फोर प्लस वन एम माइनस फोर, ठीक है, बराबर जीरो। तो यहाँ से एम के कितने मान आ गए, एम बराबर एक तो आ गया अपने पास वन, एम बराबर कितना आ गया फोर, और m बराबर कितना आ गया
माइनस वन, तीनों मान अलग लगा रहे हैं तो ये तो खुद ही कर लेते हैं आप, एम वन एम टू और एम थ्री आ गया, ठीक है। अब सी के मान निकालो, ये खुद ही करना आ गया ना, कर लोगे ना अब। देखो 14 नंबर का देखो क्वेश्चन, 14 नंबर में क्या है बोलो, क्वेश्चन बोलो। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 यही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। और इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। अगर वैसे देखें तो ये किस कितनी घात का वक्र है, चार घात का वक्र है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी मैक्सिमम चार अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही करना है, पहले क्या देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे पहले क्या घात तो निकालने अपने चार है, फिर क्या देखेंगे एक्सों के समांतर, एक्सों के समांतर हैं क्या इसमें, एक्सों के समांतर नहीं है क्योंकि अधिकतम घात का गुणांक दोनों में क्या है असर आ रहा है, तो एक्सों के समांतर नहीं होंगी। फिर क्या देखेंगे, तिर्यक देखेंगे, तिर्यक होंगे क्या, तिर्यक देखने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको एक साथ में लिख लो, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, 5 4m निकलेगा यहाँ से, क्योंकि वक्र की जो घात है वो कितनी है, चार है, तो 5 4m निकालेंगे तो क्या बना, 1 प्लस m की पावर 4, फिर 5 3m, 5 3m कितना आ रहा है, ये लिख दूँ क्या, 5 3m 0 आ रहा है, 5 3m क्या है, 0, क्योंकि तीन घात का यहाँ पर कोई पद नहीं है। फिर 5 2m, 5 2m कितना होगा, 5 2m आ रहा है कितना, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये 5 2m आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से करो आगे, जो 5 4m है ना उसको क्या कर दो, 0 के बराबर रख दो, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, m की पावर 4 प्लस 1 इजिकल टू 0, है ना। तो यहाँ से m की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1। अब यहाँ पे m का कोई भी अपने को रियल मान प्राप्त हो जाएगा, m की पावर 4 अगर माइनस 1 के बराबर है तो इसका चार मान प्राप्त होंगे, ये तो हमें पता है, लेकिन कोई भी इन चारों मान में से कोई भी वास्तविक मान प्राप्त हो गया क्या, वास्तविक मान प्राप्त यहाँ पे m का नहीं हो रहा, वास्तविक m प्राप्त मान नहीं हो रहा m का, तो क्या करेंगे यहाँ से, m का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होने के कारण क्या बोल देंगे, यहाँ से इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी, क्योंकि m का मान ही नहीं निकल रहा यहाँ से। और m यहाँ पे क्या होती है, अनंत स्पर्शी की m क्या है, जो m है वो क्या होती है, अनंत स्पर्शी की क्या होती है, ढाल होती है। तो अनंत स्पर्शी की ढाल अगर वास्तविक नहीं आ रही है अपने पास से, तो क्या होगा, अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। उसी तरीके से अगला हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सों के समांतर मिलेंगे नहीं, और अगर आगे करेंगे इसमें तो इसमें चार घात का वक्र है ये, है ना, चार घात के वक्र के बाद में तीन घात का कोई पद है नहीं, सीधा दो घात का पद है, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे तो आगे इसमें m के जो मान है वो वास्तविक मान प्राप्त नहीं होकर क्या होंगे, काल्पनिक मान प्राप्त होंगे, तो क्या होगा, उसकी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी, ठीक है। फिर देखो अगला, अपना जो अगला कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, इंस्पेक्शन मेथड पढ़ लेते हैं ना। अगला कंसेप्ट रहेगा अपना इंस्पेक्शन मेथड, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निरीक्षण विधि, क्या बोलेंगे, निरीक्षण विधि, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड में क्या, जैसे निरीक्षण होता है ना, अगर हम किसी चीज को देख के ही पता लगा लेते हैं, मतलब क्वेश्चन को सोल्व किए बिना ही किसी चीज को अगर अपन देख के पता लगा लेते हैं कि इसमें अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी कि नहीं होगी, कितनी अनंत स्पर्शियां विद्यमान होंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होता है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो अपने पास, इस टाइप का क्या हो, वक्र दिया हुआ हो, जहाँ पे क्या हो, एक तो पद हो एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू एन बराबर क्या हो, 0, इस टाइप में कोई वक्र हो,
इस टाइप में अगर कोई वक्र हो तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अब यहाँ पे आप पूछोगे कि एम एफ एन क्या है और एफ एन माइनस टू ये क्या है, ठीक है। तो एफ एन का क्या मतलब होता है कि एन घात का बहुपद। एफ एन क्या होता है यहाँ पे, एन घात का बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है। और एफ एन माइनस टू क्या होता है, एन माइनस टू घात का बहुपद या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है। यदि किसी वक्र में अपने पास n घात का बहुपद है ना, n घात के पद हैं और n माइनस टू घात के पद हैं, लेकिन बीच में क्या आता है, n और n माइनस टू के बीच में क्या आता है, n माइनस वन आता है ना। अगर किसी वक्र में यदि हमारे पास n घात के पद हैं, n माइनस टू घात के पद हैं, लेकिन n माइनस वन घात के पद नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी वक्र है उसमें चार घात, उसकी घात कितनी है, चार है। अब यहाँ पर इस वक्र की घात कितनी होगी, एन ही होगी ना, क्योंकि अधिकतम घात एन ही आ रही है। तो इस वक्र की घात कितनी हो जाएगी, एन। जैसे कोई चार घात का वक्र है, उस चार घात के वक्र के अंतर्गत एक तो चार घात का पद होगा है ना, और एक दो घात का पद हो, लेकिन उसमें तीन घात का पद नहीं होना चाहिए है ना। तो इस टाइप के वक्र में हम क्या लगा सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो देखो अब आगे। जैसे अपने पास कोई वक्र दिया है, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, मैंने x माइनस वाई प्लस टू है ना, ये वक्र है कोई, क्या है x माइनस वाई प्लस टू, फिर क्या दिया है, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर है ना, फिर आगे क्या है, फोर एक्स माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, फोर एक्स माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, और आगे है फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सेवन, आगे है फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सेवन इजिकल टू जीरो। ये वक्र दिया है अपने पास, और इस वक्र में हमें निकालना है कि अनंत स्पर्शियाँ कौन सी होंगी, कितनी होंगी, ठीक है, ये निकालना है। अब देखने में आपको कितना बड़ा लग रहा है ये, है ना, बड़ा लग रहा है। कि आपको क्या लगेगा कि पहले इस मल्टीप्लाई को पूरा क्या करना है, सोल्व करना है। ये जो मल्टीप्लाई आ रहा है तीन का, इसको सोल्व करेंगे, फिर इनको ऐड भी करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे अपन, पहले एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे, फिर त्रिरेख निकालेंगे। लेकिन इतना बड़ा नहीं करना आपको। अगर ये कितना आ रहा है, अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये कितनी घात का, ये तो प्लस आ गया, ये तो एक ही है ना यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितनी घात का बन रहा है, यहाँ से देखो एक्स, यहाँ से कितनी घात का बन सकता है, ये तीन घात का बनेगा ना, यहाँ से ये तीन घात का बन रहा है। फिर आगे ये कितनी पावर है, यहाँ से एक ही है। कहीं भी आपको दो पावर दिख रही है क्या, दो घात का वक्र दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो यहाँ से तीन के बाद में सीधा ही वन पे जा रहे हैं, लेकिन तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे वो देखो। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो जहाँ पे जो वक्र की घात होती है, मतलब यहाँ पे तीन घात का वक्र है, जो तीन घात वाले जितने भी बहुपद हैं उनको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में। अब ये सारे गुणनखंड के रूप में ही है, कौन से गुणनखंड है, ये रैखिक गुणनखंड, कौन से, अगर इनको रैखिक गुणनखंड के रूप में अगर हम लिख सकते हैं, तो वही क्या होंगी, इनकी अनंत स्पर्शियाँ होंगी, वही क्या होंगी, इनकी अनंत स्पर्शियाँ। अब देखो, अब इनकी सीधा बता दो, इसकी अनंत स्पर्शियाँ क्या होंगी, जो गुणनखंड होंगे ना वही अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो इसकी अनंत स्पर्शियाँ क्या होंगी, तीन होंगी ना, क्योंकि तीन घात का वक्र तो तीन ही होंगी मैक्सिमम, तो क्या होंगी, एक तो अनंत स्पर्शी हो जाएगी ये, बस सीधा इसको जीरो के बराबर रख दो, एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर क्या रख दो, जीरो। फिर क्या होगी, दूसरी क्या होगी, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर बराबर क्या रख दो, जीरो। फिर क्या होगी, फोर एक्स माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स बराबर जीरो। अब मैंने यहाँ पे एक पद लिखा है रैखिक गुणनखंड, इसका क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे अगर ऐसा कोई पद होता, जैसे ये दे रखा है x माइनस वाई प्लस टू, एक तो ये गुणा में है ना, अगर यहाँ पे 2x की जगह क्या होता, 2x स्क्वायर, और सब सेम पद होंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस फोर, ये होता यहाँ पे लिख दूँ, चलो अगर यहाँ पे x की जगह क्या होता, स्क्वायर होता, तो क्या ये रेखिक गुणनखंड होता है क्या, फिर ये रेखिक गुणनखंड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, घात दो आ गई, यहाँ से दो घात आ गई, तो ये रैखिक गुणनखंड नहीं होता। रैखिक गुणनखंड के जो पद होते हैं उनमें घात कितनी होती है, सिर्फ एक ही घात होती है। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक घात के बहुपद होते हैं रैखिक में। तो यहाँ से रैखिक गुणनखंड का मतलब होता है कि जहाँ पे
जो एक घात के गुणनखंड बन रहे हैं तो उनको क्या कर दो, वही क्या हो जाएंगी, इनकी अनंत स्पर्शियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब बुक का एग्जाम्पल लेके देखो आप एक बार। फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही है ना, थोड़ा बहुत चेंज होगा शायद इसमें, नहीं यही है, फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही है ना, इसमें थोड़ा अलग तरीके से किया है लेकिन मैंने जो बताया ना आपको वैसे ही करना है ना। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, y माइनस टू एक्स का स्क्वायर है ना, कितना है, y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3 y माइनस टू एक्स इंटू में 3x प्लस 4y माइनस 5 इजिकल टू क्या है, 0। इसमें बतानी है अपने को अनंत स्पर्शियाँ। अब देखो एक बार इसको देख के देखो, कहीं आपको लग रहा है कि इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई होगा, लग रहा है क्या, ये रेखीय गुणनखंड है क्या, ये बताओ, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहे, स्क्वायर दो घात आ रही है, लेकिन इनको बना सकते हैं रेखीय गुणनखंड, कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे कितनी घात का पद बन रहा है, दो घात का, यहाँ से दो, मतलब यहाँ पे दो होंगी और यहाँ पे ये कितनी, तीन, तो तीन घात का बन रहा है, फिर दो घात का बन रहा है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक बार के लिए यहाँ से इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन क्या रहा है दोनों पदों में, एक तो y माइनस टू एक्स कॉमन आ रहा है, y माइनस टू एक्स कॉमन आ गया ना, और एक क्या आ गया, 3x प्लस 4y, क्या आ गया, 3x प्लस 4y, और कुछ कॉमन थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या कर देंगे, अब यहाँ से क्या बचा, y माइनस टू एक्स, और आगे कितना बचा, 3 तो बचा ना, सिर्फ 3 तो बचा, ये दोनों तो कॉमन ही आ गए, तो यहाँ से सिर्फ 3 बचा, और आगे क्या कर देंगे, माइनस 5 इजिकल टू, सही किया है ना। अब देखो इस लाइन को, ये तीनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस बहुपद की घात कितनी बन रही है, तीन घात बन रही है ना, यहाँ पे भी x की एक घात, x और y की एक घात है, यहाँ पे भी x और y की एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो यहाँ से कितनी बनेगी, तीन, और यहाँ पे जीरो घात का बहुपद है, मतलब तीन के बाद में दो घात का पद नहीं होना चाहिए, अपनी ये शर्त है, तीन के बाद में दो घात का पद नहीं होना चाहिए, आगे कोई भी हो जाए, है ना, तो यहाँ से इंस्पेक्शन लगा सकता हूँ क्या, इंस्पेक्शन मेथड लगा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि जो ये पद, ये गुणनखंड आ रहे हैं अपने, ये गुणनखंड आ रहे हैं, ये भी क्या है, रेखीय गुणनखंड है, ये शर्त भी अपनी पूरी हो रही है, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक तो n घात का पद होना चाहिए, n माइनस वन का नहीं होना चाहिए, n घात का पद हो, n माइनस वन घात का पद नहीं हो, दूसरी शर्त क्या है, रेखीय गुणनखंड बनने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं, रेखीय गुणनखंड बनने चाहिए, है ना, तो यहाँ से दोनों शर्त पूरी हो रही हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, अनंत स्पर्शियाँ निकाल लेंगे, वो क्या होंगी, y माइनस टू एक्स इजिकल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू क्या होगी, जीरो, और y माइनस टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये अनंत स्पर्शियाँ आ गई अपने पास। ठीक है, लिख लो।